इंस्पेक्शन कैरियर रोड भातुवसी ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। ना सिर्फ ट्रक इटैची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर आर्किटेक्ट इंजीनियर मेशन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहक को दी है जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शन पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आग बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शन कैरी रोड भातुवसी ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी जरूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं महाराष्ट्र मंडल, तो यहाँ महाराष्ट्र मंडल अंडमान निकोबार द्वारा और गोवा हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित किया गया जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षक एवं साहित्यकार सम्मेलन स्वतंत्र वीर अभिवादन व हिंदी अध्ययन यात्रा 2024। जैसा कि हम काफ़ी कवरेज दिखाते हैं आपको, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ और सिंगिंग डांसिंग से रिलेटेड, तो इसी की तरह एक आर्ट की दुनिया में, एक कला की दुनिया में हिंदी का लिटरेचर भी आता है जो हिंदी शब्द का है, हिंदी भाषा। इसको लेकर के जितने भी कवि और साहित्यकार हैं ये सब आज इस कवि सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। प्रभा करौटी जी, प्रधानाचार्य रमेश मेचाली जी, राजेंद्र सातपुते जी, श्रीपति पाटिल जी, नामदेव मांडले जी और राजकुमार शिंगारे जी। साहित्यकार सम्मेलन तथा स्वातंत्र्य वीर स्मृति अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान पुरस्कार वितरण 2024 आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इस विशेष सम्मेलन में सम्मिलित उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी महानुभावों का, सभी हिंदी अध्यापकों का तथा सभी हिंदी प्रेमियों का मैं महाराष्ट्र मंडल अंडमान निकोबार और हिंदी अकादमी गोवा की ओर से मैं आश्लेषा आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। महाराज की जय। स्वतंत्र ते भगवती का महा यशोयुता वंदे, यशोयुता वंदे। आज तक भारत भर में और भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में कई बार कई जगह पर सम्मेलन हुए हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा थी कि सावरकर जी जैसे महान व्यक्तियों ने, क्रांतिकारियों ने इस भूमि को पवित्र कर दिया है, इस भूमि पर आकर एक बार अपना अभिवादन हो, और इसलिए इस कार्यक्रम में अभिवादन यात्रा तथा हिंदी अध्ययन यात्रा का हमने नाम जोड़ रखा है। इसलिए मैं दादा को प्रार्थना करता हूँ कि आज के महानुभव आदरणीय अग्रवाल साहब, आदरणीय सेठ सर, इन सब का आप स्वागत करेंगे क्योंकि आपके हमारे स्वागत अध्यक्ष हैं और स्वागत अध्यक्ष के नाते इन सब का आप स्वागत करेंगे। प्रास्ताविक इतना ही कहूँगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर हमारे गोवा तक,
जितना सारा अपना परिवार है, ये हिंदी परिवार केवल हिंदी भाषा के माध्यम से हम लोगों ने एकत्रित किया है और ये हिंदी परिवार हमेशा ऐसा ही रहे और हमारी एकता ऐसी ही रहे। इसका एकमात्र कारण है कि हिंदी भाषा दिल को जोड़ने वाली भाषा है, मन को जोड़ने वाली। जो जो लोग अपने जिस जगह पे भी बैठे हुए, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे सम्मान के पात्र है, ऐसे ही जहाँ जहाँ भी जाते हैं कोशिश करिए कि छोटा छोटा करके भी अपनी जो आपकी जो मराठी है या लोकल डायलेक्ट जो भी आप यूज करते हैं, कोई भी भाषा गुजराती है या तमिल है, तेलुगु है, जो भी यूज करते हैं, बट साथ साथ राष्ट्रभाषा के रूप में आज भी हमें एकत्रित करती है, संगठित करती है वो हिंदी है, उसके प्रचार प्रसार में शर्मिंदगी महसूस ना करो। तो ये बहुत ही हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि मिनी इंडिया, एक छोटा सा भारत यहाँ पे संगठित है। आप सब लोग हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, इनफैक्ट हमारा डिपार्टमेंट जो है हिंदी के लिए इसको ये प्रयास करना चाहिए। उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि हमने 1.5 साल में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी जो हम जनता के बीच में गए हो। मैं कोशिश करूँगा जो भी हमारा बचा शेष उसमें है कार्यकाल कि एक हिंदी की हम भी एक बड़ी कार्यशाला कराएं। लेकिन आप सभी को और अपने स्तर पर वो भी आदरणीय डॉक्टर साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच एक डॉक्टर शीतल माने जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो लिखी हुई किताब है मानवतावादी संत रविदास, तो आपके हाथों इनका प्रकाशन का लोकार्पण हमारे ज्येष्ठ साहित्यकार कृष्ण कुमार विश्वेंद्र, उनका हम काफी सम्मान लेते हैं, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र मंडल को ही वेट करता हूँ। न्यूज अंडमान 24/7 असलम जी, देखो कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया ही करता है और इसीलिए हम इनका सम्मान स्वागत कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद असलम जी, बहुत धन्यवाद, और उनका भी स्वागत और सम्मान हम करें। बहुत बहुत अभिनंदन। गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा तो बरसों बाद भी याद रह जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा तो बरसों बाद भी याद रह जाएगा, और ये होगा इस हसी दिन का रोशन सा लम्हा। सम्मान और पुरस्कार से आज का ये पल, ये दिन यादगार बनाएंगे। ये पल कैमरे में कैद करना न भूलना, ये घड़ी तो बीत जाएगी पर जब याद आएगी तो चेहरे पर मुस्कान उभर आएगी, चेहरे पर मुस्कान जरूर उभर आएगी। धन्यवाद। भारत के अच्छे अच्छे विद्वान विद्वान रत्न वो यहाँ पर आते हैं अपने कल्चर प्रोग्राम, आर्ट्स, हिंदी, जो भी जिस भाषा के भी हो, तो हम उन सबको ये हमारा प्लेटफॉर्म देते हैं। हर समय महाराष्ट्र मंडल अपनी सेवाएं देता है और ये कार्यक्रम का सिलसिला यही चलते रहेगा और आने वाले 1-2 महीने के अंदर और 700 लोग हमारे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जो वारकरी समाज बोला जाता है हमको, तो सावरकर जी की जो पालकी यहाँ से निकलेगी सेलुलर जेल तक, तो आप सभी मान्यवर यहाँ आए हैं, आप जरूर हमारे दीपों का भ्रमण कीजिए, बहुत ही सुंदर दीप है, यहाँ पर हर भाषा के लोग आपको मिलेंगे। हैदराबाद यानी साउथ से जो हिंदी से डायरेक्टर है, हिंदी विभाग के डायरेक्टर है, आणि त्यांनी मला त्यांचे ते आले पण होते आणि माझी भेट पण झाली आणि ते हेमंत डॉक्टर हेमंत साहेबांनी त्यांचा परिचय करून दिला होता आणि विशेष की डॉक्टर सुनीता पाटील हे त्यांच्या डिपार्टमेंटची एक माझी मुलगी आहे, ती तिथूनच डॉक्टरेट होऊन आलेली आहे, ती आता आपल्यासमोर जे भी काय कार्य केले आहे त्यांचा तिचा फार योगदान आहे। ती परिस्थिती ती थोडी हे भी झालेली आहे, तिचा पाय वगैरे फ्रॅक्चर झाल्यामुळे फिर भी तिने ते उत्साह केला आणि वानोळे साहेबांनी आम्हाला कळवलं आणि डॉक्टर कैलास साहेबांनी 6 महिन्यापूर्वी मला नोव्हेंबरपासून त्यांचा माझा संपर्क आहे, पण साहेब महाराष्ट्र मंडळ इथं आहे आणि या वीर सावरकरजीची हमेशा छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गणेश पूजा, 10 दिवस सर्व प्रकारचे आम्ही इथं आम्ही आमचे जे महाराष्ट्रातले सण आहेत ते आम्ही इथं चांगल्या प्रकारे करीत आहोत, तर आपण आल्याबद्दल आम्हाला फार खुशी आहे, कारण की हे माझ्या हातून आता हे जे अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए, आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है,
आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए। जड़ लंगर तुझिया पाई तू पीस कसा होणार, माझ्या हुनी आहे योग्य भूमीला प्रश्न विचार। आभाळ म्हणाले नाही भूमी ही म्हणाली नाही, मग विनायकाने त्यांची आळवणी केली नाही। पापण्यात जळली लंका लाया परियासू झाले। मैं अंदवन इकबाल से हूँ, यहाँ जन्मी पली बड़ी, जिस महाविद्यालय में पढ़ा रही हूँ वहीं पे मैंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया था और बेहद खुश हूँ आज यहाँ महाराष्ट्र मंडल में आके। मैं धन्यवाद दूंगी अरविंद पाटिल और सुनीता पाटिल जी को। सुनीता और अरविंद ने मुझे महाराष्ट्र मंडल से जोड़ा, जिस कारण आज मैं यहाँ पहुँची और बहुत गदगद हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत वीर पराक्रमी वीरों के बारे में जानकर सुनकर। संस्कृत के अमृत से पोषित वैज्ञानिक है मेरा आधार, सरल सहज सरस हूँ मैं, मैंने दिए है मूर्धन्य साहित्यकार। चिरंजीवी साहित्य की जननी हूँ, एक सूत्र में राष्ट्र को बांधती हूँ। विकास की यात्रा में सहभागी यह विनती करना चाहती हूँ, राष्ट्र वही महान है निज भाषा का जहाँ सम्मान है। वीर सावरकर नाम अमर, वीर सावरकर नाम अमर, आज़ादी का जीवन समर, आज़ादी का जीवन समर। कैद खाने की दीवारों पर, कैद खाने की दीवारों पर कोयले से लिखी क्रांति की लहर। पानी का पास प्यासा चातक सावन की उम्मीद नहीं छोड़ता, मौत के डर से कोई दिल लगाना नहीं छोड़ता। भीषण प्रलय के आने से जड़ से उखड़ कर गिरते हैं भूदर, भीषण प्रलय के आने से जड़ से उखड़ कर गिरते हैं भूदर। बिखर जाते हैं घोंसले सारे, बेघर हो जाते हैं नभचर। भारत भूमि पर बसी अद्भुत साहित्य की धारा है हिंदी, भारत की भूमि पर बसी अद्भुत साहित्य की धारा है हिंदी, जो भारत माता के सिर की है बिंदी। सूर कबीर और तुलसी की काव्य सरिता निराली, सूर कबीर और तुलसी की काव्य सरिता निराली, हिंदी प्रेमियों को आनंद देने वाली। चाहत चांद को पानी की थी, पर दिल तितली का दीवाना था, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी सुबह की, खबर ना थी सुबह की, ना शाम का ठिकाना था, ना शाम का ठिकाना था। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। क्यों इधर उधर भटक रहा तो किसकी खोज में रहा, तू रुख जरा विचार कर, तू रुख जरा विचार कर, इस बात पर तू गौर कर। तू किस से दूर है भागता, क्या चीज तू बटोरता। मर के पहुँचे हम यमराज के दरबार में, यमराज के दरबार में बहुत सारी घड़ियाँ लगा रही थी, तुर्कस्तान पाकिस्तान चाइना की घड़ियाँ वहाँ मौजूद थी, भारत की घड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने पूछा यमराज से इनकी अलग अलग रफ्तार क्यों है, तो जिस देश में ज़्यादा भ्रष्टाचार उसकी रफ्तार ज़्यादा है, जिस देश में कम भ्रष्टाचार उसकी रफ्तार कम है। राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देती है यात्रा। किताबों की तुलना में एक बेहतरीन शिक्षक है। दुनिया को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका अच्छा शिक्षक अच्छा अध्यापक होती है यात्रा। भाषा के अध्यापक होने के नाते उपलब्धि के रूप में यहाँ पर मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि मेरी एक किताब यहाँ पर प्रकाशित हुई है, अगले सम्मेलन में मेरी दूसरी किताब यहीं पर प्रकाशित होगी, यही इस सम्मेलन की उपलब्धि रहेगी। इसी बात को मैं यहाँ पर कहकर मेरी वाणी को विराम देती हूँ। समझने की जानने की बर्दाश्त करने की जो मानसिकता जो है वह किस प्रकार से बढ़े, किस तरह से उन्होंने बर्दाश्त कर लिया होगा, तो यह भी एक बहुत बड़ा देश प्रेम है। और यहाँ पर आया हुआ हर एक अध्यापक और अध्यापिका अपने अपने ज्ञान से संपन्न हो और इस यात्रा का बहुत ही भरपूर प्रचुर मात्रा में उन्हें अनुभव प्राप्त हो।
विमल मैडम ने जाना शिकवलेला आहे, त्यांचे ते विद्यार्थी आहेत. आयएएस बॅचचे हे अधिकारी जस्ट एप्रिल आपल्याकडे हजर झालेले आहेत आणि ते डायरेक्ट डेप्युटी कमिशनर म्हणून हजर झालेले आहेत. त्यांचं हार्दिक अभिनंदन आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं, आपल्याला अभिमान. तुम्ही इथे सगळे शिक्षक प्राध्यापक आहात, तर तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की शाळेतलं जे वय असतं मुलांचं तेच सगळ्यात म्हणजे म्हणतो ना कच्ची माती, तर कच्च्या मातीला जसं आपण वळवलं तशी ती वळते. इव्हन मॅडम आम्हाला रोज सकाळी सुविचार सांगायचा, सकाळी प्रार्थनेच्या वेळी तेव्हा ते असंच भूतकथा वगैरे सांगायचा, तर त्या कुठेतरी मनात रुजतात मुलांच्या. आणि तसंच तशीच बीज नंतर जेव्हा अंकुरित होतात तेव्हा देशासाठी समाजासाठी ती मुलं खूप चांगलं काहीतरी करू शकतात. तर आयएएस आयपीएस होणं जसं नाही तर कुठचंही करिअर असू दे मुलांचं. मुलांना खेळात आवड असेल तर त्यांना चांगलं खेळाडू बनवा, मुलांना चित्रकला चांगली जमते. करिअर फार हे झाले, आज लोक युट्यूबवर व्हिडिओ बनवून सुद्धा करिअर बनव. जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा. घंटे हो गए हैं आप यहाँ बैठे हैं, तो आपका भी आभार प्रकट करती हूँ. और ये कार्यक्रम या तीसरा सत्र जो है यहाँ समाप्त करने की घोषणा करती हूँ. धन्यवाद. तो हमारे बीच पे उपस्थित है गोवा हिंदी अकादमी के प्राध्यापक सुनील शेठ जी. इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज का जो ये विषय है इस पर क्या बात करना चाहते हैं. नमस्कार. महाराष्ट्र मंडल अंडमान निकोबार आइलैंड और गोवा हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित यह हिंदी शिक्षक प्रचारक सम्मेलन जो आज इस महाराष्ट्र मंडल के सभागृह में संपन्न हो चुका है, इसका मूल उद्देश्य और लक्ष्य यही था कि यहाँ पर जितने सारे शिक्षकगण शामिल हुए इस यात्रा के दौरान एक अलग प्रकार का अलग किस्म का अनुभव प्राप्त हो, जो अनुभव वे अपने विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को साझा कर सके, जिससे विद्यार्थियों के दिल में एक प्रकार से देशभक्ति देश प्रेम पैदा हो सकता है. मैं समझता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि ये सब देखने के बाद या अनुभव लेने के बाद इन सारे अध्यापक वर्गों को एक प्रकार से प्रोत्साहन मिला होगा. और अभी हमारे कुछ दिन बाकी शेष है जो हम इस पूरे अंडमान और निकोबार आइलैंड को भेंट देकर उसका ज्ञान संपन्न करने की कोशिश करेंगे. और वह जो भी अनुभव हमारे इस 4-5 दिन में हमें प्राप्त होगा वह अनुभव अपने अपने विद्यालयों में जाकर ये सभी शिक्षक और हिंदी प्रेमी जो उसका ज्ञान साझा करेंगे. और जो हमारी यह यात्रा है, शैक्षिक यात्रा जो है, वह सफल हुई होगी और होगी यह विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ. नमस्ते, मैं डॉक्टर कैलाश यादव. आज का जो हिंदी सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ, इस सम्मेलन में हिंदी शिक्षक एवं साहित्यकार सम्मेलन एवं भारत अध्ययन यात्रा अभिवादन यात्रा के रूप में यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया था. इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मेरे सहयोगी आदरणीय उस्मान मुलानी जी और आदरणीय सातपुते सर जी, इनका मुझे बहुत बड़ा योगदान सहभाग मिला है. हमारा ये प्रयास है कि पूरे भारत भर में इस प्रकार का ये सम्मेलन हो, हिंदी का प्रचार प्रसार हो. हिंदी जनमन को जोड़ने वाली भाषा है, लेकिन घर घर तक पहुंचनी चाहिए, सुचारू रूप में पहुंचनी चाहिए, अध्यापन में आनी चाहिए, उसमें लेखन ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी है. इन दोनों बातों को उजागर करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है. तो आप सभी लोगों ने देखा आज महाराष्ट्र मंडल में गोवा हिंदी अकादमी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया का अंत हुआ, जिसपे काफ़ी कवि कवित्रियों ने मिलकर के यहाँ पे अपना कविता सुनाया, जो अपना खुद का लिखा हुआ कविता था. इस सफल आयोजन को समाप्त करते हुए मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद.